हरि कथा अनंता। जिस प्रकार से हरि की कथा यानी भगवान की कथा अनंत है, उसी प्रकार से रामानंद सागर के रामायण सीरियल के पात्रों की भी कहानियां अनंत हैं। उनमें इतनी रोचकता है, उनमें इतनी प्रासंगिकता है कि आप जब भी उनके तह तक जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो तमाम तरह की जानकारियां आपको मिलेंगी। खास बात यह है कि रामायण में काम करने के बाद इन पात्रों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। इनके आचार विचार व्यवहार में इतना परिवर्तन आया कि ये जैसे आध्यात्मिक हो गए हों, जैसे जीवन दर्शन की ओर चले गए हों, और जैसे इन्होंने अपने जीवन को उसी पात्रों के अनुसार जो अभिनय किया उसी के अनुसार उन्होंने ढाल लिया हो। मगर लंकेश का अभिनय करने वाले अरविंद त्रिवेदी के जीवन में जितना परिवर्तन आया कि आप सोच ही नहीं सकते। जिस प्रकार से रावण शिव का अनन्य भक्ता, उसी प्रकार से अरविंद त्रिवेदी जी भी भगवान शंकर के, भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। जब सेठ की शूटिंग पे जाया करते थे तो वो घंटों पूजा करते थे। सेठ से फोन आया करता था अरविंद त्रिवेदी जी के लिए कि जल्दी चलिए, शूटिंग तैयार है, आपके लिए देर हो रही है, बस आपको पहुंचना है। मगर वो पूजा करने के बाद ही उठते थे, और उठने के बाद अरविंद त्रिवेदी जी महादेव को, भगवान शंकर को, शिव को, भोलेनाथ को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन से क्षमा मांगते थे, माफी मांगते थे। अरविंद त्रिवेदी जी कहते थे, युद्ध के मैदान में जा रहा हूं प्रभु भोलेनाथ, मैं वहां पर आपको तमाम अपशब्द कह सकता हूं, तमाम बातें कह सकता हूं, लेकिन मुझे क्षमा करिएगा, इसलिए क्योंकि वो मेरा अभिनय है और अभिनय के कारण तमाम बातें आपको मुझे कहनी पड़ सकती हैं। इससे पता चलता है कि अरविंद त्रिवेदी जी भगवान भोलेनाथ के कितने भक्त थे और उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन और बदलाव आया। जब अभी हाल में सीता हरण का दृश्य वो देख रहे थे तो देखते देखते टीवी पर वो भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि जिस प्रकार से दीपिका को, यानी जो सीता का अभिनय कर रही थी, हाथ खींचकर अरविंद त्रिवेदी रथ पर बिठाने का काम करते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बहुत तेजी से दीपिका का हाथ पकड़कर उन्हें खींचकर रथ पर बिठाने का काम किया था, तो वह दृश्य देखकर वो एकदम से भावुक हो जाते हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आते हैं, बड़ी सरलता से भावुक हो जाते हैं। अरविंद त्रिवेदी जी रामायण सीरियल खत्म होने के बाद अपने उज्जैन की यात्रा को तो भूल नहीं सकते। उज्जैन की यात्रा का उन्होंने वर्णन किया कि बोले, जब रामानंद सागर जी के साथ वो उज्जैन पे पहुंचे महाकाल के दर्शन को, तो वहां का सैलाब देखते बनता था। वहां लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए थे और अरविंद त्रिवेदी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मैंने रावण का अभिनय किया, बहुत बड़ा अत्याचारी रहा, बहुत बड़ा पापी रहा, लोगों ने अभिनय के रूप में इस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाए और उसी तरह की मानसिकता लोगों में बन गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग मेरे ऊपर गुस्सा होंगे, लोग मेरे ऊपर नाराज होंगे, लेकिन जब वहां की जनता ने मुझे आंखों पर बिठाया, पलकों पर बिठाया, तो मेरी आंखें भावुक हो गई। पूरी उज्जैन की जनता सड़कों पर उतरी हुई थी। रथ पर हमें और रामानंद सागर जी को बिठाया गया, नगर भ्रमण कराया गया, जयकारे लगाए गए, उद्घोष किया गया, और फिर हम लोगों ने महाकाल के दर्शन किए। दर्शक बाद में भी रुके रहे, जब हम लोग दर्शन करके आए तो हम लोगों के पैर छूने, हम लोगों के दर्शन करने, हम लोगों की आरती करने के लिए वो आतुर रहे। ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं राम हूं क्या। लेकिन ये अच्छी बात रही, लोगों के अंदर अच्छी बात रही कि वो मेरे अभिनय को सराह रहे थे और मेरे अभिनय पे और मेरे जो संवाद थे उस पर नाराज ना होकर मुझे आनंदित कर रहे थे, मुझे खुश कर रहे थे। ये जीवन में जो देखने को मिला, परिवर्तन देखने को मिला रामानंद सागर के सीरियल रामायण से पात्रों के जीवन में परिवर्तन और बदलाव, वो शायद और किसी सीरियल में देखने को नहीं मिल सकता। इसलिए इसे साफ पता चलता है, चाहे वाल्मीकि की रामायण हो, चाहे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो, या फिर रामानंद सागर की रामायण हो, जिसको आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके भी जीवन में निश्चित परिवर्तन आएगा, निश्चित बदलाव आएगा। जय